आर आई पी टू ऋषि कपूर सर क्या बक्चू हो रही है क्या हो रही है क्या हो कह रहे सही में समझ नहीं आ रहा कुछ भी यार मतलब कल रात को कल रात को दो ढाई बजे मम्मी नीचे आके बोल रही कि लैपटॉप में चला कोई ऊपर से मीटे और निकल रहा है पता नहीं क्या पता नहीं क्या बक्श हो और क्या हो रहा है खैर दुनिया खत्म होने से दुनिया खत्म होने से पहले मुझे विश्वास है कि हमारा बारसरों कनेक्शन अच्छा है मैंने 90 परसेंट से ऊपर भारसा गेम्स के रिव्यू डाले 100 परसेंट गेम्स देखी हैं गूदा रखते हैं प्लेयर्स को रेट करने का पिछली वीडियो देखी थी तुमने ऐसी कुछ थी जिसमें हमने मडरिड को रेट किया था ऑब्वियसली मुझे पता है कि हर किसी की अपनी ओपिनियन होती है सब्जेक्टिव है ठीक है एंड हाजआ को लंड में नहीं डालना था यो विच सुपर क्यों मुझे पता है मुझे पता है ठीक है बट मैं ऑफ द फील्ड को भी देख रहा हूँ ना वो मोटा हो था ठीक है कोई बात नहीं ठीक है बट वील ट्राई टू बी अगेन द सेम एज वी डिड विद मडरिड बार्सिलोना की बात करेंगे सीजन देख चुके हैं ठीक है कुछ चिंता वाली बात नहीं प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं है अठारोन नजबीज जितने भी है ठीक है थोड़ा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि अराखो कोयादो पुइच इनको नहीं लिया क्योंकि गेम टाइम इतना नहीं है ठीक है ऑल्सो प्लेयर्स लाइक वागे अपना तो दिबो और कार्लेस पेरिस इनको भी नहीं लिया क्योंकि लोन पे बाहर चले गए कार्लेस पेरियस काफी फर्थ है सही बताऊँ तो बट जो ये बखचूदी कोई बात नहीं ठीक है तो लिस्ट वही उस प्रकार है ठीक है लैंड यानी कि सबसे घटिया नो डिफरेंस पहले नो इफेक्ट था वही हो गई ठीक है ग्रामर की बक्चूद बैंग एवरेज बेसिक डिसेंट फार और आग मोदी गॉड मोड ठीक है तो ठीक है पहला प्लेयर हमारे समक्ष आ रहा है क्लोमे लोंगले ये नाम है ना इस क्लोमे लोंगले ओके ठीक है बक्चूद ओके तो क्लोमे लॉन्गले अंडर वर्ल्ड जनवरी तक वालवेदे का राज था उसके बाद की के सैतिन का याद रखते हैं तो ये वालवेदे के अंदर इंपॉर्टेंट था एंड उमती भी इंजर्ड था तो उसको काफी टाइम मिला काफी खेला था एंड अच्छा था एंड बारसा ने गोल्स कंसीड किया इस सीजन काफी सही बताऊं तो एंड वी कैन से कि वालवेदे के टैक्टिक्स जो भी ठीक है ठीक है बट आई थिंक ही वॉज गुड ही वॉज ऑफ गेम्स इंपॉर्टेंट था एंड एंड में उमती को सैतीन ने खिलाना स्टार्ट कर दिया ठीक है बट आई थिंक ही थिंकेंट थिंक आई थिंक ही वॉज डिसेंट फाड़ तो नहीं बोलूंगा आई थिंक फाड़ तो नहीं था कि फार... नहीं नहीं डिस था, था अच्छा डिस क्लोमिन हाँ ठीक है फार भी हो सकता है ठीक है माके जी जो भी ठीक है ओके जा बेटा जा। अरे यार जा जा, जा। कहां फार भी नहीं। क्या नाम है उसके मैनेजर का जुगंजा आई एक्स का उसने बोला कि ये नंबर सिक्स है फ्रेंकी देगा एंड ऑब्वियसली जब ये बारसा में आने वाला है उससे पहले हर कोई प्रेडिक्ट कर रहा है कि ये नंबर सिक्स है ठीक है बट इट्स डिफिकल्ट टू प्ले नंबर सिक्स इन अ क्लब जहाँ पर बुस्कट्स ऑलरेडी है नहीं हलवा थोड़ा ना सो ही प्लेड नंबर एट आई थिंक इट इट वेरी वेल आई थिंक इट इट वेरी वेल मतलब फार में भी आ सकता है ठीक है बट आई थिंक यू प्लेड थर्टी सेवन गेम्स सत्ताईस में से ट्वेंटी थ्री लीग गेम स्टार्ट करी आई थिंक ही गेव असिस्ट आई थिंक डिफरेंट रोल्स खेला नंबर सिक्स भी खेला नंबर एट भी खेला विंगर भी खेला लिटरली कभी कभी सेकंड स्ट्राइकर भी खेला बार सौ बार सौ में याद है काफ़ी काफ़ी वेरिएशन करी इसके साथ एंड इसके साथ सही नहीं हुआ पहले वालवेर द मैनेजर था ठीक है तो मैं इन सिचुएशन को भी देख रहा हूं इतना इसका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था क्योंकि मे बी इज अ बेटर नंबर लेट्स बी ऑनेस्ट बट जस्ट फॉर द इम्पैक्ट ही हैड सीजन बट यू नो आई आई थिंक पुट फार क्योंकि वी न्यू कि ये फाड़ होने वाला है हमें पता था कि फ्रेंक के से हमें एक्सपेक्टेशन थी आने से पहले आई थिंक इट इट वेरी वेल बट नंबर से तो नहीं आ पाए तो आग मुद्दी नहीं बोलूंगा बट आई थिंक यूज फार ठीक है जो भी माकेचूत ओके ओ नेक्स्ट प्लेयर हमारा ग्रियजमान है चुटिया मास्टर अपना गरीबों का बिलाल साइद जो भी नाम है यार यार चौदह लीग गोल मारे इसने ठीक है एंड इसकी पोजीशन कभी तक क्लियर नहीं हुई ये विंगर है विंगर नहीं है ऑब्वियसली क्योंकि एथलेटिको मेटेड में सेकंड स्ट्राइकर इसको एक डिएगो को ऐसा स्ट्राइकर चाहिए क्या मेस्सी की और सु, क्योंकि सुवरिश फिर इंजर्ड हो गया था चार महीने के लिए अपना नवंबर में तुमको पता है तो इतना बन भी नहीं पाया अंडर की कैसे इतने इतना देख नहीं पाया एंड इम्पॉर्टेंट था मेहनत करी अच्छी परफॉर्मेंस अगेंस्ट बैटर्स बे, जो भी थी फाइव टू से विक्ट्री जब दो गोल मारे थे कुछ कुछ गेम्स में इंपॉर्टेंट गोल्स मारे बट इतना फाड़ भी नहीं था कभी कभी हक भी रहा था कभी कभी गायब था किस किस गेम में तुमको पता है किस किस गेम में अच्छा था सो आई वुड से अगेन डिसेंट यार डिसेंट आई थिंक फार तो नहीं बोलूंगा आई थिंक हैड ए डिसेंट सीज़न है

या फिर मेसी ऑब्वियसली नहीं यार नो एक्सप्लेनेशन क्लासिकोज में इंपॉर्टेंट नहीं यार यू कैन हम आई थिंक पेनल्टी से भी काफी थे इसके जो भी बक्चू होती है वोविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्लेयर लुइस सुअारिस ओके तो ये इंजर्ड काफी था सही बताऊँ तो एंड आई थिंक एक कॉन्स्टेंट चीज मुझे मेरे दिमाग में आती है अटकती है कि ही हैड पुअर गेम्स बट सब हाउ जाग जाएगा और डिफरेंस बना देगा अगेंस्ट डोटम जाग गया डिफरेंस बना दिया अगेंस्ट इंटर जाग गया डिफरेंस बना दिया इंपॉर्टेंट गोल मारे थे ब्रेस मारे थे अगेंस्ट शायद से हाँ जो भी बक्चुती है और तोड़ तोड़ गोल मारता था कभी भी, कहीं से भी एंड अगर लीग में देखा जाए तो ए बार एस्पान्यो इन सबके अगेंस्ट गोल मारे इतने तो बड़ी बड़ी गेम्स में गोल नहीं मारे एंड फिर इंजर्ड हो गया ऑब्वियसली मिड में भी इंजर्ड हो गया था फिर नवंबर में इंजर्ड हो गया फिर अभी तक पूरा आउट है चौदह गोल्स अगेन आई थिंक ही वॉज लेट्स बी ऑनेस्ट ही वॉज नॉट फार क्योंकि समटाइम्स

सुपर इंपॉर्टेंट वेनएवर केम मेड अ डिफरेंस ऑफर समथिंग डिफरेंट मिडफील्ड में आकर वो प्लेटिन वो कहता हैं वो स्टील देना वो मेटल देना मेसी को हेल्प करना क्योंकि सवारी से इंजर्ड हो गया था स्ट्राइकर बनना वो बॉडी बनना एक स्ट्राइकर वाला रोल खेलना विंग पे भी खेलना क्योंकि अग अंडर की के सहतीन सुवारी से सब इंजर्ड हो गए थे जो भी है तो ही हैड टू प्ले राइट विंग लेफ्ट विंग भी खेला आई थिंक वेनएवर ही गेम ही मेड अ डिफरेंस आई थिंक वेनएवर ही गेम ही मेड सीमको अभी तक या था कि कुछ कुछ गेम में आई वॉन्टेड बारसा टू लूज बिंगा माधरी एंड ही गेम और मैं सड़ जाता था यार यार ये 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 बना देगा डिफरेंस बनाता था अगेन <laughs> क्योंकि खेला नहीं इतना शुरुआत में वालवर्दे के अंदर ठीक है बट फार तो कत ही थाडिया ये भी काफी इंजर्ड था इंजर्ड था पहले सेप्टेम्बर से अक्टूबर इंजर्ड हुआ फिर नवंबर काफी इंजर्ड था काफी इंजर्ड था लेफ्ट बैक में इतना खेला नहीं सोलह अपेयरेंसेज लीग में सोलह स्टार्ट छबीस टोटल अपेयरेंसेस गेम्स निकाल ली ठीक है बट इतना कुछ फार लिटरली अगर मैं इस सीजन एल्बम को देखूं तो इतना कुछ फार था निकॉन आई थिंक फिर भी काफी नहीं आई थिंक क्या मैं बैंग एवरेज बना लू इसको क्योंकि इतना कुछ सही में नहीं आया मेरे हिसाब से आई थिंक डिसेंट था ठीक है बट थिंक बैंग एवरेज आर सही आई थिंक इट डिट सीजन इन अगेन डीसेंट में भी आ सकता है अगेन अगेन आ सकता है बट डीसेंट मुझे लगता है बहुत बढ़ जाएगा इसलिए बट आई थिंक बैंक एवरेज था सही बताऊं तो ठीक है इतना था नहीं uh, आंजू फाती प्लीज प्लीज आर्ग्यू करो प्लीज आर्ग्यू करो सत्रह साल की सोलह साल की शायद से छोटी लुल्ली यार क्या बात कर रहे यार किसने एक्सपेक्ट किया था एवरीबडी उस क्वेश्चनिंग की बादशाह के पास किन नहीं है यंग प्लेयर ने यंग प्लेयर ने मोड के पास इतने सारे हो रहे हैं केम आउट ऑफ नो वेयर डिफरेंस बनाया कितनी सात लीग गेम स्टार्ट करी जो भी है एंड आई थिंक वेन एवर ही प्लेड ही वॉज एक्सिलेंट इन माई ओपिनियन आई थिंक ये फार है लिटरली आई थिंक ये फार है आई थिंक ये बहुत ही तगड़ा प्लेयर होने वाला है ब्रेस अगेंस्ट लेवानते टू वन विक्ट्री सुपर इंपॉर्टेंट पहला गोल अगेंस्ट ओसा सुना जब ड्रॉ कराया सुपर इंपॉर्टेंट आई थिंक ही मेड डिफरेंस लिटरली दैट परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंटर मिलान अपना साइंस हीरो नहीं यार अगेन मुझे पता है इसने ज्यादा गेमें खेली नहीं बट क्योंकि सत्रह साल छोटा साल लिए छोटी फाड़ भी हो सकता है बट आई थिंक ही इज आग मुद्दी लाइक आई पुट रॉदरी गो आग मुद्दी पे आई थिंक आई वुड पुट हिम सेम थे सेम थे बताऊँ से तो दे हैड अ ग्रेट डिफरेंस वेन दे प्लेट पांच गोल्स पांच छह गोल्स जो भी थे आई थिंक आगमु से बताऊँ तो आई थिंक तो, कतल था जब भी खेला टू द नेक्स्ट प्लेयर कापिता ने एल प्रेजिडेंटे ठीक है जो ही नाम एल प्रेजेंटे कैसे थे काफी गेम खेला था थर्टी ली, थ्री लीग गेम निकाल ली इसने परफॉर्मेंस अगेंस्ट एस्पेनियल मुझे इससे आया था काफी टाके आके मारते काफी बकचोदी करी जिसने अच्छा बनता अच्छा करे सही बताऊँ तो एंड शुरुआत में कुछ कुछ बकचोदी थी बट अंडर की के तीन इसका इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ऑब्वियसली ही वांट्स एंड आई थिंक इवन अंडर वालवेर थे बारसा बैक से बिल्ड करती ठीक है इंपॉर्टेंट है आई थिंक नॉट मच नेगेटिव टू पिक आउट आई थिंक ही वॉज गुड आई थिंक ही वॉज डिस बट वॉज ही फार क्या पीके फार था इस सीजन I think against sociedad was quite far. Tha. I think he was far. Tha, I think PK was far. Tha. PK, far tha. PK was the first prime defender. was I think he had to be there because last season Mourinho had taken And I think he had an important role. I think he was far. I think I remember games where he made very important tackles. I also remember games where he was a bit But I think he was better than Longley. I think if Longley is decent, he's far in my opinion. Huh? Haan, theek hai. Moving on to the next pair, Serki Roberto, and By God, events, बार्सा बड़ी डिफिकल्ट है भारसा बहुत डिफिकल्ट है ऐसे में सर की रो बट तो क्योंकि सेमेडो राइट बैक था काफी रोटेशन थी इसकी एंड आई थिंक इसने काफी रोल खेले अंडर की कैसे तीन, राइट मिडफील्डर फील्डर खेलने लग गया मिडफील्डर भी खेला अंडर बाल बैठते कभी कभी क्लासिको में मुझे ज्यादा पहले मिडफील्डर खेला था एंड ही सकट लिटरली अच्छा नहीं था आई थिंक राइट बैक खेला था राइट right बैक अच्छा राइट बैक है बट क्या सेमेडो बेटर हैमेडो like बेटर बट वो अपडाउन ठीक है जो भी बक्स होतेबल प्लेयर है काफ़ी वर्सेटाइल है ऐसे प्लेयर्स तुम्हारे स्क्वाड में होने चाहिए जो बहुत चीज़ें ऑफर करें ठीक है बट आई थिंक ही वॉज डिसेंट आई कॉन्ट से ही वॉज फार यू कैन से ही फार क्योंकि ये काफ़ी पोजिशन खेल लेता है बट आई थिंक ही वॉज सही बताऊँ तो यार आई थिंक ही वॉज डिसेंट हाँ आई थिंक ही वॉज डिसेंट आई थिंक ही हैड एन इम्पैक्ट क्योंकि एल्बा भी इंजर्ड था सेमेंटो लेफ्ट बैक भी खेला था आई थिंक ही हैड एन हीपैक्ट राइट बैक ठीक है बट मूविंग ऑन टू फीफा ट्वेंटी प्ले स्टेशन फुटबॉल मैनेजर कॉल ऑफ ड्यूटी सब कुछ खत्म हो चुकी है क्वारंटाइन में दबा के गेमें पेल पेली जा रही है उस मंदिर में लंडा आठ अपेरेंसिस तीन लीग स्टार्ट्स तीन लीग स्टार्ट्स एक गोल शायद से एक गोल क्या बोल रहे हैं कुछ कुछ जज करने को लौड़ा भी कुछ नहीं है फॉल्ट ऑब्वियसली अनलकी था इंजर्ड हो गया था एंड आई फेल्ट सॉरी फिर मैंने पोस्ट भी डाल थे ठीक है हिज फॉल्ट अगर बाहर से कंप्लेन आ रही है कि इज नॉट डिसिप्लिन अगर एक गेमे चोद रहे इसी गलती इसकी गलती एंड दैट्स वाई पुट हाजर्ड है क्योंकि वो मोटा होकर आ रहा है उसकी गलती वो इंजर्ड है ठीक है बैट लट ठीक है बट प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज होती है प्लीज इस तुम इससे बात करो तुम मेस्सी के साथ खेल रहे हो लिटरली क्या वक्त होती है ओके okay, तो हमारे पास दो अंसुफाती okay, आ चुके हैं कि चूती आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्लेयर पे विच इज ऑब्वियसली आर मेलो एंड आई लव हिम वैन ही प्लेयर्स आई थिंक ही मेक्स अ डिफरेंस आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है यू जस्ट लुक एट अ गोल ही स्कोर्ड अगेंस्ट बिला रहा तो दूर से And i think he offers something different class classical good first half jisme basa was but he was injured september to se november injured tha bhot time tak injured tha. and uh, i think whenever he plays he's really good i like him but just because he was different in and out kafi tha, inconsistent tha, not a really great season for him to portray ki khela. but whenever he, he was there i think he was good i think he's very good i like him he can be far also but i'll still put him at decent क्योंकि इतना कुछ सही में दिखा नहीं इतना इंपॉर्टेंट कुछ दिखा नहीं आई थिंक परफॉर्मेंस अगेंस्ट वालेंसिया एंड द परफॉर्मेंस अगेंस्ट अपना जैसे कि मैंने बोला क्लासिको में अच्छी थी विलारियल ठीक है बट सेविया भी अच्छी थी ठीक है जो भी बच्चों थे मुझे इतना गेमें याद आ, आ रही है मुझे जब बारसा अच्छा खेली थी तो ये इंपॉर्टेंट था आई वुड पुट हिम डी सही बताऊँ तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फेयर विच इजो बुस्किट्स फार इन माई ओपिनियन फार कैन बी ऑल्सो आगे मोदी सही बताऊँ तो बट इन माई ओपिनियन फाड़ा सही बताऊँ तो अंडर वालविदे जो सेम लाइन मैंने भॉकी कि ही वॉज लिटरली फट इसका मजाक उड़ाया जा रहा है क्योंकि वालविदे का सिस्टम कैसा है कि साइड वाइज साइड वाइज साइड वाइज नंबर सिक्स पर इतना ओनर्स नहीं होता डिस्पाइट ऑब्वियसली बारसा नंबर सिक्स से खेलती है ठीक है बट इसकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं होती बाहर साह पे मिडफील्ड भी इतना ओनर्स नहीं था क्योंकि अंडर अपना ऑब्वियसली अपना की के जब भी बाहर साह बॉल यूज करती है बुस्कट्स आगे प्रेस करने जाते हैं एंड ये रूल है कि जब भी तुम्हारे बुश्ड ऐसे प्लेयर जो होते हैं जिनको साइडवेज नहीं भागना होता इनको फ्रंट से प्रेसिंग करने के लिए भेजो तो के के सती ने वो यू, 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 यूटिलाइज किया आई थिंक बादशाह के मिडफील्ड गेम स्ट्रॉग हुई ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट ही प्लेड थर्टी थ्री थर्टी वन लीग गेम्स जो भी है ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट ट्वेंटी थ्री लीग गेम स्टार्ट्स आई लिटरली रेट हिम आई थिंक ये काफी फार था आई वॉन्ट पुट हिम एट गॉड क्योंकि वालवर्दन इसको चौथा से बताऊँ तो बट आई थिंक ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट ही वॉज फार नो क्वेश्चन लेट्स मूव ऑन ठीक है मूविंग ऑन टू जूनियर फिर पहला सीजन अंडर वर्ल्ड वर्दे शुरुआत में लिटरली दिखा भी नहीं सही बताऊं तो बट आई थिंक स्लोली स्लोली अपना दिसंबर में थोड़ा दिखने लग गया दिसंबर नवंबर में आने लग गया थोड़ा धीरे धीरे एंड नवंबर में थोड़ा इंजर्ड भी हो गया था बीच में एंड आई थिंक ही प्लेड इंपॉर्टेंट गेम्स हिज परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंटर अगेन आई थिंक इंटर में काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी जब टू वन बार से जीती थी याद है जब मैंने वीडियो बनाई थी, थी कि वर्ल्ड वर्दे टैक्टिक्स मार रहा था <laughs> तो आई थिंक हिज परफॉर्मेंस वॉज गुड हिज परफॉर्मेंस अगेंस्ट बेटेस जब मैसी ने हेट्रिक को फर्स्ट मारा था याद था तुमको जो अभी भी गेम हुई सॉरी वाज़ इम्पोर्टेंट इज स्कोर अ गोल आई थिंक परफॉर्मेंसिसंक गुड पहला बाकी चोत हाँ जो भी है आई थिंक वॉज डिसेंट हाँ ठीक है ओके uh, uh, okay. uh, माके चोत कुछ बोलना थकिया मैं लाइन बोल बोल के वालवर्दे मेसी ओ, मेसी वालवर्दे को बचाता है मैंने लिटरली एक पोस्ट डरा था कि इतना तो बहन सलमान खान लिटरली नए नए एक्ट्रेस को ही लाता मैं नेपोटिज्म नहीं करता जितना ये 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 वालवर्दे को लिटरली हर गेम में बचा रहा था हिज लिटरली मुझे याद है एक सेल्टा वाली गेम थी बारसा इतना घटिया खेल थी होम पे वन आई थिंक दे वर डाउन मे बी वन जो भी था मेसी थिंक हिज परफॉर्मेंस इज चैंपियंस लीग टॉप स्कोर एंड हींजर्ड शुरुआत की चार गेम करी थी तुम इससे बात करो एंड भीष में भी एक दो गेम मिस करी थी कुछ हार्ट फैक्सर ऐसे कुछ बात मुझे आती है जो भी है बट आई थिंक ही प्लेड कंसिडरेबल्ड ऑफ गेम्सलीड ए रियली गुड इम्पैक्ट गॉड यारेट विनर अगेंस्ट एथलेटिक क्लब इफ आई आई अगर मैं इंपॉर्टेंट फील नहीं करूंगा बंदे की स्टेटमेंट है काफी आउटस्पोकन हो रहा है आजकल इससे बात करते हैं एंड ही मुझे अभी तक याद है जब पहला क्लासिको था कैंपन में जब नीनल ड्रॉ था बुशकेट्स बेंच पे था ही प्लेट नंबर सिक्स एंड बार साल लर्ड थी लिटर बारह साल लर्ट याद है फासा कितनी घटियाँ थी क्लासिको में जब मैं अच्छा कह था और फिर लॉन्ग बोल रहे थे कि तू कितना चौड़ रहा है ड्रॉ करने पे, पे याद दिन याद आ रहा है कोई बात नहीं आई थिंक रोटेशन प्लेयर ग्यारह सब्सटीट्यूट आई थिंक ये थे के अंडर आने लग गया जब आर्थर मेलो भी थोड़ा आउट था थोड़ा इम्पैक्ट दिखाने लग गया आई थिंक वेन एवरी प्लेड लोगों ने काफी सो क्रिटिसाइज किया बट आई थिंक क्योंकि शुरुआत में बहुत घटिया था आई थिंक कुछ कुछ गेम में डिसेंट था अच्छा था आई वुड पुट हिम एट बैंग एवरेज सही बताऊँ तो है ना बैंग एवरेज

आई थिंक इन एंड आउट इन एंड आउट जो भी है इनकसिस्टेंट क्रोमे लॉन्गले पीके की ज़्यादा पार्टनरशिप थी बट आई थिंक इस परफॉर्मेंस अगेंस्ट क्लासिको खेला था क्लासिको टूनल जब बाहर से थी आई थिंक अंडर खीके सेतिन थोड़ा खीके सेतिन इसको खिलाना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि बैक से बिल्डअप करने में आई थिंक ये वो स्पेसिस अक्वायर कर रहा था जो सेतिन चाहता है एंड आई थिंक अगेंस्ट अगेंस्ट बेटिस काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी मुझे अच्छी तरह याद है कुछ डाइंगल वाइंगल मुझे याद आ रही है ठीक है आई थिंक think... बट ही वॉज आउट ही वॉज आउट एंड क्या अगर मैं उमती का चीज देखूँ तो क्या इसने को डिफ्रेंस बनाया कैसने कुछ हाँ बनाया क्योंकि जब लॉन्गले नहीं था तो उमती आया रैम बन गई <laughs> रैम बना दूँ। बट यार सही बताओ यार यार नो खा लिया यार तुम बताओ यार तुम बताओ। यार बता। नो डिफेंस खाली यार नो डिफरेंस खाली मान ये ये क्यों सामने आ रहा है बार बार अपना अंजुफाती ठीक है <laughs> <थीज़। मांगी>। क्रिस ब्राउन मार्टिन आई थिंक गेम्स इसकी अगेन मुझे पता नहीं मैं क्यों यहाँ पे रखा क्योंकि कार्लेस फेस की बट अभी यहाँ पे है ठीक है ये इंपॉर्टेंट है he played, he good, Fuck, <laughs> अच्छा था मेरे हिसाब से एंड परफॉर्मेंस अगेंस्ट बार्सिलोना भी अगेंस्ट मोटेड क्लासिक में फट गई थी मेरी लिटरली काफी रन निकाल रहा था आई थिंक अगेन एनर्जी जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल यू नो मारियानो दिया अपना मर्डर्ड मैथ है बट आई थिंक इज मोर ऑफ अ ड्रिबलर ऑब्वियसली काफी काफ़ी मेहनती प्लेयर है थिंक अच्छा प्लेयर है काफी मेहनत कर रहा है रोटी का खा रहा है अपना तम इससे बात करते हैं आई थिंक कंसिडरिंग तीन गेम्स खेली कंसिडरिंग द ग्लिज यूज फार फार था वन द आई नो है आई नो मे बी नियरली स्कोट आई आई रिमेंबर एक दो गेम में ही स्कोट गोल्स आई नो यूज फार है फार था अगेन लोग बोले कि तूने ठीक है मतलब ठीक है फार था तो ये था भैया ये थी <laughs> मेरे अपेरेंसेस नो डिफरेंस तो लंडन में इतना प्लेयर नहीं है ओके okay. ओके okay. काफ़ी डिसेंट में प्लेयर्स आ रहे हैं काफी ठीक है काफी प्लेयर्स डिसेंट थे लेट्स लेट बी बी ऑनेस्ट आई थिंक ऑब्वियसली बारसा दो पॉइंट मडेड से अबव है बट आई थिंक बारसा इफ आई लुक ओवरऑल ओवरऑल एवरी प्लेयर अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था यार आई थिंक नहीं यार क्योंकि पहली बात तो फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में जब तक वॉलवेर देता था मेसी टर्सटेगन और अपना कौन अपना इवन और कौन था यही थे मेरे ख्याल से मेन पी के भी बोल सकते हैं फ्रेंकी बोल सकते हैं दे वर लिटरली द ओनली वन मेकिंग डिफरेंस एंड आई थिंक आई थिंक दिस इज द सीजन आई थिंक क्या मैं बोल सकते हैं कि जिस जिस भी मैं क्लब को मार्क कर रहा हूँ और जो भी ग्राफ बन रहा है क्या उनके सीजन को डिफाइन कर पता नहीं क्या बच्चा क्या यही थी हमारी वीडियो और तुम अपनी ओपिनियन बताओ तुम्हारी क्या ठीक है दैट इज इंपॉर्टेंट अगेन बाकी और किसी क्लब का करना तो बता देना बता देनाटरनेट डे में ट्राई मारता रहूँगा जो भी देखते हैं बाकी अगली वीडियो तगड़ी टैक्टिकल कुछ बख्जू बने तभी इससे बात करते हैं ठीक